हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली, केरल और कर्नाटक में एनआईए का छापा, 5 लोग गिरफ्तार। नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,252 नए केस, 1,033 मरीज डिस्चार्ज। केरल में कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, युवा महिलाओं को 50% से ज्यादा सीट। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 मैच में 7 विकेट से हराया, सीरीज में 1-1 बराबर। बीजेपी का विरोध करने बंगाल पहुंचे राकेश टिकैत, TMC सांसद ने किया स्वागत। व्हीलचेयर पर पुरुलिया में रैली कर रही है ममता, दौरे पर साथ रहेगी डॉक्टरों की टीम। बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा हफ्ता आज से शुरू, किसानों और महंगे तेल पर जारी रह सकता है हंगामा। हावड़ा में TMC नेता को गोली मारी, नंदीग्राम में सुवेंदु की सभा से पहले TMC का हंगामा। संसद में आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होनी है चर्चा। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरएस की सजा पर बहस, आज कोर्ट ने 8 मार्च को दोषी करार दिया था। चुनाव प्रचार के बाद चेन्नई लौट रहे कमल हासन की कार पर हमला, कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पीटा। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की उम्र में निधन, गोवा मिली अंतिम सांस। मंडावर थाना क्षेत्र में चोरों ने दिन दहाड़े घर में चोरी की वारदात को दिया अंजाम, बक्से में रखे जेवर और नकदी लेकर हुए फरार। जयपुर में ACB का बड़ा धमाका, रिश्वत के बदले अस्मत मांगने वाले RPS अधिकारी ट्रैप। राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी की नई रणनीति, पूर्वी राजस्थान के चुनावी समर में उतरने की तैयारी। सिकंदरा थाना क्षेत्र में कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत, बाइक सवार की हुई मौके पर मौत। सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर पलटा ट्रक, ड्राइवर और खलासी हुए घायल। कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 26,291 नए केस दर्ज, पिछले 24 घंटे में 118 लोगों की हुई मौत। सचिन वाजे गिरफ्तारी के विरोध में पहुंचे हाईकोर्ट, शिवसेना का केंद्र पर निशाना, कहा पिछला हिसाब चुकता किया। भाजपा सांसद कौशल किशोर की बहू ने काटी हाथ की नस, खुदकुशी की धमकी का वीडियो किया वायरल। पूर्व कांग्रेस सांसद दीपा कौल के बेटे समेत दर्जन भर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, DM के निर्देश पर FIR दर्ज। अमित शाह के आदेश पर BJP ने सभी बड़े चेहरों को टिकट दिया, 2 मुस्लिम और 8 क्रिश्चियन भी उतारे कांग्रेस में लिस्ट, आते ही बगावत शुरू। बंगाल के चुनावी समर में आएगी और तेजी, 18, 21 और 24 मार्च को रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विराट कोहली ने एक बार फिर रचा इतिहास, T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। लखनऊ में सपा ने लगाया अखिलेश बनाम योगी के होर्डिंग, मुकदमा लिखवाने हटवाने पर राज। कोरोना का तेजी से बढ़ रहा खतरा, महाराष्ट्र के बाद अब MP में सख्ती की आहट। ISI से संबंधित 60 ठिकानों पर NIA की कार्रवाई, दिल्ली, केरल और कर्नाटक में छापेमारी। नागपुर में आज से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लागू, मॉर्निंग वॉक करते दिखे लोग। विधानसभा में हरियाणा पंजाब के बीच लक्ष्मण रेखा खींचने की तैयारी, 7 समान रास्तों के लिए बनाई जाएगी SOP। गृह विभाग ने ऑफिस खुलने से पहले RPS कैलाश भोरा के निलंबन आदेश जारी किए, आज कोर्ट में पेश करेगी ACP। अब ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस और ट्रेनिंग अनिवार्य, बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ाना होगा अपराध। प्रदेश में आज 8,200 बैंक ब्रांचों पर कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, 20,000 करोड़ का कारोबार होगा प्रभावित। जयपुर में SOG ने 3 ज्वेलरों से 140 किलो चांदी जब्त की, 3 से और आज की जाएगी पूछताछ। आज होगी UP BJP कार्य समिति की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुभारंभ, पंचायत चुनाव पर होगा मंथन, CM करेंगे समापन। आंध्र प्रदेश नगर निगम चुनाव में YSR कांग्रेस की शानदार जीत, तेलुगु देशम पार्टी कांग्रेस का सफाया। महाराष्ट्र में 16,620 नए कोरोना केसेस, नागपुर में आज से होगा लॉकडाउन। सचिन वाजे NIA कस्टडी में, गिरफ्तारी को लेकर BJP शिवसेना में जुबानी जंग। राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा इसी हफ्ते में, जिताऊ चेहरे की तलाश में जुटी BJP और कांग्रेस। दिल्ली में 45 मिनट तक नहीं उतर सकी फ्लाइट तो वापस जयपुर के लिए किया डायवर्ट, खराब मौसम के कारण नहीं मिली अनुमति। 50% आरक्षण पर SC में तमिलनाडु, केरल का जवाब, चुनाव है स्टैंड नहीं ले सकते। शरद पवार ने बुलाई पार्टी की बैठक, वाजे की गिरफ्तारी पर हो सकती है चर्चा। UP पंचायत चुनाव के आरक्षण पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, फाइनल लिस्ट पर लगी है रोक। यशवंत सिन्हा को TMC का गिफ्ट, पार्टी उपाध्यक्ष बने, नेशनल वर्किंग कमेटी में हुए शामिल। सैन्य तानाशाही के दमन से धक्का म्यांमार, रविवार को कार्रवाई में 39 लोगों की हुई मौत। डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद अध्यक्ष विजय सिन्हा पर भड़के, कहा आप विपक्ष के नेता को संरक्षण दे रहे हैं। सारण में ऊर्जा विभाग के अधिकारी की कार बिजली के खंभे से टकराई, 3 की हालत गंभीर। काशी विद्यापीठ के छात्र को मामूली विवाद में बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस खंगाल रही है CCTV फुटेज। PFI का ट्रेनिंग कमांडर मोहम्मद राशिद बस्ती जिले से गिरफ्तार, CD समेत देश विरोधी दस्तावेज मिले। सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर कंगना रनौत बोली, अगर ठीक से जांच हो जाए तो महाराष्ट्र सरकार गिर सकती है। जलंधर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर चोरों का धावा, 5 तोला सोना, 3 LED समेत हजारों का कैश चोरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।